नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं। भारत जैसे देश में वॉलमार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत एक तरफ कृषि प्रधान देश है, दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों का और छोटे उद्यमियों का भी देश है। यहाँ पर बड़े व्यापारी बहुत कम मात्रा में हैं। अगर आज आप देखें गांव में, तालुका में या शहरों की गलियों में जाकर के देखें तो फुटपाथ का व्यापारी ज़्यादा मिलेगा, एसी वाले दुकानें कम मिलेंगी। ऐसी स्थिति में वॉलमार्ट जब आ जाएगा तो इन सब दुकानदारों का और छोटे उद्यमियों का क्या होगा? मैं चार बार का सांसद हूं और जब मैं सांसद था तो वॉलमार्ट का विरोध भारतीय जनता पार्टी भी करती थी, माननीय वाजपेयी जी भी करते थे और मैं भी करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और घुमा फिरा करके डायरेक्ट ना आ करके वॉलमार्ट को कहीं यह कंपनी को एक्वायर करके, कहीं यह कंपनी को एक्वायर करके और FDI को कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी टेक्निकल के उसमें और कभी उसमें, इस प्रकार से जो लाने का प्रयास किया जा रहा है वो भारत के हित में किसी भी रूप में नहीं है। अब हम भी भारतीय जनता पार्टी के चार बार के सांसद हैं, मैंने इसका बड़ा विरोध किया था, मैंने वॉलमार्ट का विरोध किया था और बड़े बड़े प्रदर्शन किए थे, परंतु आज वॉलमार्ट इनडायरेक्ट रूप में हमारे ऊपर लादा जा रहा है। हम व्यापारी समाज के लोग इससे बहुत चिंतित हैं कि हम लोगों का क्या होगा। सरकार को चाहिए कि सरकार इस देश की भौगोलिक स्थिति और इस देश की जो तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, वो अच्छी चीज़ है। हम भी चाहते हैं कि विकास हो। हमने तो सरकार को लिख करके भी दिया है कि जो गांव में जाओ तो ऐसे खुले मैदान में बोरा बिछा के दुकानें लगी हैं, ऊपर सूर्य की तपन है, तो इनको कम से कम छोटी छोटी दुकानें बना करके दो भाई, वो न करके वॉलमार्ट को ले आओ ताकि उनका भी सत्यानाश हो जाए, उनकी जीवन यापन खतरे में पड़ जाए। ये सब ठीक नहीं है। हम व्यापारी समाज के लोग और जितने छोटे उद्योग के लोग हैं वो वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को किसी भी रूप में, चाहे वो फ्लिपकार्ट को लेकर लेके आ जाएं या डायरेक्ट आ जाएं या किसी रूप में आ जाएं, नहीं आना चाहिए। और वॉलमार्ट से किसान का भी बहुत है, मैं व्यापारी तो हूँ ही, मैं किसान भी हूँ, अब किसान का भी बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए किसी भी रूप में वॉलमार्ट को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और अगर वो देती है, दूसरी बात एक ये है कि देश में अभी तक कोई कानून नहीं बना है ट्रेडिंग का। चार प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है, एक छोटा स्मॉल ट्रेडर्स है, एक मिडिल ट्रेडर्स है, एक बड़ा ट्रेडर्स है, एक फॉरेन ट्रेडर्स का है। अभी तक यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं बनी है। सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि वो ट्रेडिंग के समझे, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो, चाहे फॉरेन ट्रेड हो, चाहे मिडिल ट्रेड हो, चाहे छोटा ट्रेड हो, चाहे कुछ हो, एक पॉलिसी बनाए। इनका मैंने बहुत पहले लिख के भेजा था कि इसके लिए जो इंटरनल ट्रेड है, जो हमारे देश का ट्रेड है, इसके लिए अलग मंत्रालय बनाएं, पर अभी उसके लिए कुछ हुआ नहीं है। तो सबसे पहली बार हमारी मांग ये है कि सरकार को ट्रेड के संबंध में, कैसे किसान का माल, मंडी समितियाँ खुली हैं, मंडी समितियों में हम लोग अपना माल परचेज भी करते हैं किसानों का, तो उसमें कोई कानून नहीं है। और उनमें बल्कि जो कानून है उसमें भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को रोक करके वॉलमार्ट को रोक लेना चाहिए। और अभी वॉलमार्ट को किसी भी रूप में इजाज़त न देनी चाहिए, सबसे पहले ट्रेड की पॉलिसी बनानी चाहिए। आपको यही मेरा निवेदन।